वेलकम टू जायका दिल्ली। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। हम देखते हैं पहले कोफ्ते बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 से 12 चम्मच बेसन, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 ग्रीन चिलीज़, 1/2 स्पून ज़ीरा, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा गर्म मसाला और 1/2 स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 बड़े साइज़ की लौकी। अब हम देखते हैं हमारी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 ग्रीन चिली, 1 टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज और हल्दी थोड़ी सी। सबसे पहले हमें जो ये घिया चाहिए हम इसको पील कर लेंगे और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। जितना फाइन ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से बाइंड हो पाएगा। टमाटर को इस तरह फाइनली चॉप कर लेंगे, अपनी प्याज को पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा मसाले के लिए चाहिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स। और अपनी चिलीज़ को थोड़ा थोड़ा सा फाइनली चॉप कर लेंगे। 1/2 ग्लास हमें पानी चाहिए सिर्फ मसाला भूनने के लिए। बाद में हम इसमें 500 मिलीलीटर के आसपास पानी डालेंगे जब हम मसाला भून लेंगे। अब हम अपने घिया को अच्छे से ग्रेट करेंगे, जितना फाइनली कर सकते हैं आपके पास जितना फाइन ग्रेटर हो उससे करिए, क्योंकि अब हमें इसको लास्ट में इसको प्रेस कर इसका एक्सेस जितना भी पानी है वो सारा निकालना है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो ये सारा जो इसकी बाइंडिंग है वो नहीं हो पाएगी और ये खुल जाएंगे। जितना अच्छे से आप प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा इसका पानी निकल जाएगा। ये देखिए, दोनों हाथों से अच्छे से आपको प्रेस करना है। आप किसी क्लोथ की भी मदद ले सकते हैं, मैं इसे हाथ से ही करती हूँ। अब हमने एक अपना पैन लिया है, इसमें हम ऑयल गर्म करेंगे अपना। देखिए फ्लेम हमने हाई कर दी, हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म करना है ऑयल का, क्योंकि ज़्यादा हमने मीडियम फ्लेम पर अगर ऑयल गर्म किया हमारे कोफ्ते डालते ही वो अलग हो जाएंगे और हमें अच्छे से भीजना नहीं है कोफ्तों को, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डलेगा। ये हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया, पानी निकाल लिया, प्याज हमने कद्दूकस कर लिए, ग्रीन चिलीज छोटी छोटी कट कर लिए और ये हमारा बेसन। सबसे पहले हम अपना घिया डालेंगे, उसके बाद ये गर्म मसाला, ये नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, अपनी ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे और जो हमने प्याज ऐसे की थी आप इस तरह नहीं काटना चाहें, डाइस में कट ना करना चाहें वो भी कर सकते हैं बारीक कर। और इसमें लास्ट में हींग डालेंगे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ये सब डालकर अच्छे से हमें मिक्स करना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें आपको सारा बेसन एक साथ नहीं डालना, थोड़ा सा डालकर इसको पहले चेक करना है कि इसकी बाइंडिंग ठीक से हो रही है। अगर इसमें पानी की ऐसा लग रहा है पानी थोड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। अभी हमने 6 स्पून के आसपास अपना बेसन डाला है, उसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। इसकी बाइंडिंग कर देखेंगे, अगर इसकी बाइंडिंग ठीक से नहीं हो पा रही तो फिर हम अच्छे से और बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह का हो जाएगा और हमें इसको अच्छे से प्रेस नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो फिर ये हम जब इसको फ्राई करेंगे अंदर से ही कच्चा रह जाएगा। तो हमें इसको लूज़ ही रखना है, हाथ से सिर्फ निकालना है और इसको गर्म तेल में डाल देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं फ्लेम कितनी हाई है, सिर्फ ऐसे लेना है और इसको तेल में डाल देना है। आप चाहें तो इसकी पहले हाथ में लेकर इसको शेप दे सकते हैं बिना ज़्यादा प्रेस किए, बिल्कुल गोल शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 आपको डालना है सारा, 2 शिफ्ट में आपका ये हो जाएगा। फ्लेम हाई ही रखनी है। एक एक कर अब हम सारे डाल देंगे और फिर जब हल्का सा नीचे से ब्राउन दिखने लगे तो इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया, ये कलर हमें चाहिए। और आप एक निकाल कर उसको प्रेस कर देखिए, अगर ये हल्का सा अंदर से कच्चा हो तो आप उसको दोबारा डाल दीजिएगा। फ्लेम स्टार्टिंग में हाई रखनी है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो डायरेक्टली सिर्फ डार्क हो जाएंगे बाहर से, देखने में पूरा ऐसा लगेगा आपको हो गया लेकिन अंदर से सारा कच्चा रह जाएगा। तो जब हमें डालना हो स्टार्टिंग में ही सिर्फ हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद डालने के बाद मीडियम फ्लेम करनी है ताकि अंदर से ही पकें। ये देखिए ये 2 हमारे हो गए, अब इसको हम ऐसे कर देखेंगे कि अंदर से कच्चे तो नहीं। अब ये जितने भी हम इनको 2 शिफ्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए ये कलर हमें चाहिए। सारा एक्सेस ऑयल निकाल दें। ये बहुत इजीली बन जाते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये दो शिफ्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो किसी स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं बैटर को डालने के लिए। मुझे हाथ से करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है तो मैं हाथ से डालती हूँ। साइड बाय साइड आप डालेंगे, जितने भी सारा साइड बाय साइड डालते रहिए और फिर फॉक की हेल्प से या फिर किसी स्पून की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से आप इसको टर्न कर दीजिएगा। ये देखिए हमने वापस हमारी फ्लेम हाई कर दी। क्यों? क्योंकि अभी हमने फर्स्ट जो शिफ्ट निकाली थी उसके बाद ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया था, उसके इसलिए हमने थोड़ा सा उसको तेज़ करने के लिए फ्लेम हाई की है। लेकिन वापस हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होने लगता है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन कलर का। अब इन्हें हम निकाल देंगे। देखिए हमारे सारे कोफ्ते रेडी हैं। अब इसके हम ग्रेवी बनाते हैं। आप चाहें बड़ा साइज भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा मसाला था ग्रेवी का, इसमें हमने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और पिसा हुआ धनिया, ये सारा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया पानी डालकर। अब हमने फ्लेम अपनी हाई करी। सबसे पहले टमाटर और ग्रीन चिलीज डालेंगे। इसको चक्की डालने के बाद हम इसकी लिड कवर कर देंगे 20-30 सेकेंड्स के लिए, फिर ताकि जो छीटे आ रही हैं वो ना उड़े। तो उसके बाद किसी हुई प्याज और ये हमारे मिक्स जो मसाले किए थे हमने, ये सारे इसके अंदर डालेंगे। आप 30 सेकेंड्स इसकी लिड हटा देंगे और अपने टमाटर को अच्छे से भूनना है हमें। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए। सबसे पहले हमें टमाटर ही फ्राई करने हैं। ये देखिए अभी हमारे टमाटर नहीं है, इसको चेक करेंगे। इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे हाई फ्लेम पर। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा और चलाएंगे और आप चेक करिए। ये देखिए ऊपर की लेयर की थोड़ी सी हट चुकी है, तो हमारा टमाटर हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपनी प्याज ऐड करेंगे, जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद अपने मसाले जितने भी थे वो सारे मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद ये थोड़ा सा छींटे आने लगती हैं, तो इसको आप चाहें तो कवर कर दें। और जो एक्सेस हमारा मसाला बचा हुआ था उसके अंदर हम पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके फिर से डालेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे अंडे आलू का मसाला बनता है या फिर किसी भी आप जो भी खाना बनाते हैं सिंपल मसाला वैसे ही बनेगा इसका। कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, मेन चीज़ आपका जो इसकी पकौड़ी बनी है सिर्फ वो है, उससे आपका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जो हमने भीग कर अपना घी का पानी निकाला था ये सारा पानी भी इसमें डाल देना है, हमें वेस्ट कुछ भी नहीं करेगा इसके अंदर। सारा पानी इसके अंदर डाल के अच्छे से भूनना है हमें। जब मसाला भून जाएगा फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये देखिए मसाला भूनने लगा, इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है। जब तक थिक ना हो जाए तब तक आपको भूनना है अच्छे से। देखिए साइड में आप देख सकते हैं ऑयल आने लगा है। ये देखिए साइड में देख रहे हैं कितना ऑयल आ चुका है हमारे मसाले ने, ऑयल छोड़ दिया, इसका मतलब मसाला हमारा भून गया है। 500 मिलीलीटर के अंदर आपको पानी डालना है, क्योंकि जो आपकी ये पकौड़ी हैं, ये जो कोफ्ते हमने बनाए हैं, ये सारा पानी पी जाएंगे। तो इसलिए आपको जितना पानी ग्रेवी जितनी रखनी है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। हमें 200-250 मिलीलीटर के आसपास हमें ग्रेवी रखनी है, अपना इतना पानी चाहिए, तो हम 500 मिलीलीटर के आसपास अपना पानी डालेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको भूनना है। आप चाहें तो 2 बार पानी डालकर और भून सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं और अच्छे से सारा ऑयल ऊपर आ गया, जितना भी हमने ऑयल डाला था सारा पहले सारा सब छोड़ दिया मसालों में। अब ये देखिए सब ऊपर आ गया, बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया कि भून गया। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए 500 मिलीलीटर के आसपास हमने पानी डाल दिया और फिर इसको पकाएंगे। फर्स्ट बॉइल तक हमें इसको पकाना है, इसको लीड इसको कवर कर देंगे और उसके बाद फर्स्ट बॉइल आने के बाद हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डालेंगे। ये देखिए फ्लेम हमने हाई रखी है, अब इसको लीड से कवर कर दिया।
ये ऊपर स्टीम आने लगी, इसका मतलब पानी बॉईल हो चुका है हमारा। ये देखिए, जब तक ऐसा ना हो जाए उससे पहले आप कोफ्ते अपने नहीं डालेंगे, वरना फिर आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। देखिए फ्लेम हमारी अभी भी हाई है, हाई फ्लेम पर ही मसाला भी भुना हमने, हाई फ्लेम पर ही पानी भी बॉईल किया। अब हमारे कोफ्ते डालेंगे, देखिएगा आप एकदम ही कितना पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही पकाना है हमें। ये देखिए, जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, और फिर उसके अंदर पिसा हुआ गर्म मसाला 1 चम्मच डालना है। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं कट करके, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी खाना हो उस हिसाब से। देखिए 10 मिनट तक हमें इसको और पकाना है। देखिए पकने के बाद हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी, साइड में ऑयल छोड़ दिया वापस से इसने, क्योंकि पानी डालने के बाद सारा ऑयल चला गया था, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। टेस्ट, ये देखिए आप कितनी इजीली ये बन गया, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए, आप इसको अगर बॉल की शेप देना चाहते हैं तो आप इसको बॉल की शेप दे सकते हैं, हमें इस तरह ही पसंद है, तो हाथ से हमने शेप दी तो हाथ से ये शेप आई। तो आप इसको बिल्कुल गोल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गोल कर सकते हैं, बस उसको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पकाना है, वरना अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक बार इस रेसिपी से बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा।